अगर आप एक नया Asus का लैपटॉप लेने का प्लान कर रहे हो तो आपके मन में ये क्यूरियोसिटी तो जरूर होगी कि जो Asus का आर्मरी क्रेट है उसमें हमें क्या क्या ऑप्शंस और क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, या फिर अगर आपके पास एक पुराना Asus का लैपटॉप है तो कौन से फीचर्स ऑन रखना चाहिए, ऑफ रखना चाहिए और कैसे किस फीचर को यूज करना है। अगर आप ये सब जानना चाहते हो तो आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ कि आर्मरी क्रेट में आपको क्या क्या फीचर्स और क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं और किस फीचर को आपको किस तरह से यूज करना है। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, सब चीजें मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ और हर एक फीचर को मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। तो ये कुछ इस तरह का आर्मरी क्रेट का यूजर इंटरफेस आपको मिलता है। अब यहाँ पर आपको काफी सारे टैब्स मिलते हैं, ये सारे टैब्स मिलते हैं और अभी एक एक करके मैं आपको सारे टैब्स में जाकर दिखाऊंगा क्या क्या ऑप्शन है और क्या क्या कस्टमाइजेशन आपको मिलते हैं, बिल्कुल डिटेल में दिखाऊंगा। सबसे पहले इस होम वाले टैब से स्टार्ट करते हैं। तो होम वाले टैब में आप देखो तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पर आपका जो भी लैपटॉप हो, फिर चाहे वो टफ सीरीज का लैपटॉप है या फिर रॉक सीरीज का लैपटॉप हो, उसका आइकन आपको यहाँ पर मिलता है। फिर उसके बाजू में यहाँ पर अभी अपन होम वाले टैब में तो होम लिखा हुआ है और यहाँ पर आपके लैपटॉप के सीपीयू और जीपीयू भी मेंशन रहते हैं। अब थोड़ा और नीचे में आप ये देखो तो ये एक विजुअलाइजेशन है आपके लैपटॉप के सीपीयू और जीपीयू यूसेज का, और इसको आप चेंज करना चाहो तो आप इस एरो पे क्लिक कर सकते हो, आपको कुछ इस तरह का विजुअलाइजेशन भी मिलता है। इसमें आप देखो तो आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स दिख रहे हैं, जैसे कि हर एक में यहाँ पर टोटल 5 लेवल्स है, आपको यहाँ पर 5 डॉट्स दिख रहे हैं और उसमें कुछ डॉट्स कलर दिख रहे हैं, यानी कि आपको कूलिंग यहाँ पर अभी लेवल 3 की है, सीपीयू परफॉर्मेंस लेवल 4 की है। तो ठीक है, मतलब ये बस देखने पर की चीज है, उतनी कोई यूजफुल नहीं है, बस देखने में अच्छा लगता है और कुछ नहीं। उसके नीचे आप देखो तो यहाँ पर आपका सीपीयू यूसेज दिख रहा है और जीपीयू यूसेज दिख रहा है। उसके बाजू में आपको यहाँ पर ये आपके सीपीयू स्टैट्स और जीपीयू स्टैट्स दिख रहे हैं, जैसे कि आपके सीपीयू की फ्रिक्वेंसी, यूसेज और टेम्परेचर कितने, वोल्टेज कितना, ये सारी चीजें आ रही है। सेम वैसे जीपीयू में भी है और सीपीयू में यहाँ पर अभी पावर सेविंग लिखा हुआ है, क्योंकि मैं कोई हैवी वर्क नहीं कर रहा हूँ तो इसलिए जीपीयू अभी पावर सेविंग मोड पे चला गया है। अब अगर मैं कोई गेम खेलूंगा या फिर कुछ भी भारी चीज करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा और यहाँ पर आपको जीपीयू की मेमोरी फ्रिक्वेंसी और टेम्परेचर दिखने लग जाएंगे। अब एक और चीज की मेरा तो ये 2021 वाला टफ है, अभी जो 2022 वाले टफ है उसमें आपको यहाँ पर जीपीयू की टीजीपी भी देखने को मिलती है, जो कि मेरे वाले में अभी नहीं दिख रही है। और उसके और बाजू में देखे तो यहाँ पर आपके लैपटॉप के रैम और स्टोरेज जो है वो यहाँ पर विजुअलाइजेशन से दिखाए गए हैं। उसके नीचे फैन स्पीड आती है आपकी, कि आपके जो सीपीयू फैन है वो कितने आरपीएम में चल रहा है, जीपीयू फैन कितने आरपीएम में चल रहा है और ये दोनों फैंस मिलकर नॉइस कितना बना रहे हैं वो आपको यहाँ पर डेसिबल्स में दिख रहा है। और उसके नीचे आए तो यहाँ पर आपको विंडोज की ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है, टच पैड ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है और ये पैनल पावर सेवर भी मिलता है। अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा, अब इससे क्या होगा कि जैसे ही पावर कट होगा और लैपटॉप बैटरी पर आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश रेट जो है डिस्प्ले का वो 60 हर्ट्ज पे शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे ही लैपटॉप वापस चार्जिंग पर लग जाएगा तो रिफ्रेश रेट ऑटोमेटिकली 144 हर्ट्ज पे शिफ्ट हो जाएगा। और जब ये ऑटोमेटिकली स्विचिंग होती है ना तो स्क्रीन 2 सेकंड के लिए ऑफ होती है और वापस ऑन होती है। तो मेरे पास काफी सारे कमेंट्स आते रहते थे कि भाई मेरे लैपटॉप में ये प्रॉब्लम है कि जैसे ही लैपटॉप बैटरी पर आता तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन 2 सेकंड के लिए बंद होती है और वापस से ऑन होती है। तो ये बेसिकली इसी ऑप्शन की वजह से होता है, तो इसको मैं तो ऑफ रखता हूँ क्योंकि मैं तो बैटरी पर भी कभी कभार जब पावर कट के टाइम भी गेमिंग करता हूँ तो मुझे 144 हर्ट्ज ही अच्छा लगता है, तो मैं इसको ऑफ रखता हूँ, आप चाहे तो ऑन रख सकते हो। फिर उसका यहाँ पर आपको ये जीपीयू मोड दिखते हैं, इसके बारे में आपको आगे वाले टाइम में बिल्कुल डिटेल में बताता हूँ, अभी के लिए इसको छोड़ो। और उसके नीचे फिर गेम लॉन्चर है और थोड़ा और बाजू में आए तो यहाँ पर ऐप कॉन्फ़िगरेशन है, आपको जो रेनबो ऑरा सिंक है आप उसको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो और गेम विजुअल को भी ऑन ऑफ कर सकते हो। ये दोनों चीज मैं आगे वाले टाइम में बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, तो अभी के लिए इसको छोड़ो। सिनेरियो प्रोफाइल भी मैं आगे आपको बताऊंगा। और फिर ये जो है ये शेयर्ड कैम का ऑप्शन है, अगर आप माय Asus ऐप को लिंक करके अपना फोन अपने लैपटॉप से कनेक्ट करते हो तो मे बी शायद आप अपने फोन का कैमरा अपने लैपटॉप के वेब कैम की तरह इसको यूज कर सकते हो। वैसे मैंने इस फीचर को कभी यूज नहीं करा, मैं यूज इसको करके देखूंगा और हो सके तो उस पर एक शॉट बना दूंगा। और उसके नीचे माय प्रोफाइल है, आपके यहाँ पर डिटेल्स आती है और बाजू में है, तो इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है। और यहाँ पर ऊपर ऑप्शन दिखाऊं तो ये एडिट टाइल्स का ऑप्शन है, अब अगर आपको इन टाइल्स की जगह बदलना हो तो आप इस ऑप्शन को यूज करके इनकी जगह बदल सकते हो। यहाँ से प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन है और फिर यहाँ पर आपके न्यू फीचर अनाउंसमेंट है कि जो आपके आर्मरी क्रेट में न्यू फीचर आए हैं तो वो आप यहाँ से ब्राउज कर सकते हो, जैसे कि अभी ये लेटेस्ट ऑरा वॉलपेपर वाला फीचर आया था तो वो यहाँ पे दिख रहा है। फिर नेक्स्ट चीज, यहाँ पर आप अपना फोन भी लिंक कर सकते हो, उसके लिए आपको आर्मरी क्रेट आपके फोन में भी डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उससे ये सारे जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ये सामने आपके, फिर चाहे ये साइलेंट परफॉर्मेंस और ये सारी चीजें, तो जितने भी आपके आर्मरी क्रेट में लैपटॉप में ऑप्शन है वो आप अपने फोन से भी कंट्रोल कर सकते हो, साथ में आपके GPU, CPU जो यूसेज है वो आप अपने फोन में भी देख सकते हो। अब इस सेक्शन में आपको अपने मक स्विच को ऑन या ऑफ करने का भी ऑप्शन मिलता है। अब मेरे लैपटॉप में मक स्विच है नहीं इसलिए वो ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आपके ऐसे एक ऐसा लैपटॉप है जिसमें कि आपको मक स्विच मिलता है तो उसको भी आप इस जगह से ऑन या ऑफ कर सकते हो, आपको उसका ऑप्शन इसी जगह पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप नीचे देखो तो आपको Asus के लैपटॉप में 4 मोड्स भी मिलते हैं, विंडोज, साइलेंट, परफॉर्मेंस और टर्बो। और बेसिकली ये मोड्स ना ज्यादा कुछ नहीं करते, ये बस फैन की स्पीड को कम या ज्यादा करते हैं। थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ।
उसके लिए इस मोड में स्विच करता हूं तो यहां पर सब डिटेल में लिखा हुआ आता है। तो सबसे पहले टर्बो मोड से स्टार्ट करें तो टर्बो मोड पर ही आपके फैंस फुल स्पीड में चलते हैं और आप देख भी सकते हो अभी टर्बो मोड पर मैं कुछ ऐसा भारी काम नहीं कर रहा हूं, फिर भी यहां पर फैंस की स्पीड देखो तो आप अराउंड 3500 आरपीएम पे चल रहे हैं फैंस। तो टर्बो मोड पर जो है फैंस ऐसी कम स्पीड में हमेशा चलते ही रहते हैं और जब आप गेमिंग करते हो तो बिल्कुल फुल स्पीड पे चलते हैं या फिर कोई भारी काम करते हो तो फुल स्पीड पे चलते हैं। फिर आप परफॉर्मेंस पे अगर आप अपने लैपटॉप को रखते हो ना तो आपके फैंस अभी देखो ये 3500 आरपीएम पे चल रहे हैं टर्बो मोड पर, अभी मैंने परफॉर्मेंस मोड पे डाल दिया तो फैंस की स्पीड आप देखोगे धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। तो बेसिकली परफॉर्मेंस मोड पर अगर आप कुछ भारी काम नहीं कर रहे हो तो आपके फैंस चलते नहीं है और अगर आप कुछ भारी काम कर रहे हो तो भी फुल स्पीड में नहीं चलते परफॉर्मेंस मोड पे। और वहीं अपन साइलेंट मोड पर आ जाए तो साइलेंट मोड पे तो बिल्कुल इसके फैंस बंद ही हो जाते हैं और आप भारी इससे भारी काम भी करोगे ना तो भी इसके फैंस बस नाम भर के लिए ही चलेंगे। साइलेंट मोड बेसिकली इसलिए होता है कि जब आप साइलेंट मोड पे अपने लैपटॉप को रखते हो तो आपकी सीपीयू और जीपीयू की जो पावर होती है उसमें लिमिट लग जाती है और आपका लैपटॉप सुपर क्वाइट चलता है, बिल्कुल फैंस चलते ही नहीं है तो बिल्कुल आवाज ही नहीं करता है। और वहीं परफॉर्मेंस मोड पे आपको बैलेंस परफॉर्मेंस मिलती है, टेम्परेचर बैलेंस रहते हैं और एक्यूस्टिक्स भी लैपटॉप के बैलेंस रहते हैं क्योंकि फैंस फुल स्पीड में चलते ही नहीं है। और टर्बो मोड का तो मैं आपको बता दिया है। तो बेसिकली मैं आपको सिंपल सी टिप दूंगा इन मोड्स के बारे में कि अपने लैपटॉप को टर्बो मोड पे डालो और बिल्कुल भूल जाओ कि आपके लैपटॉप में ये वाले मोड्स दिए गए हैं, क्योंकि काफी सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स आते रहते हैं कि भाई मेरे लैपटॉप ज्यादा हीट हो रहा है, लैग कर रहा है। तो जब मैं उनसे बात करता हूं तो मुझे यही चीज पता चलती है कि वो लोग अपने लैपटॉप को परफॉर्मेंस मोड पर रखते हैं। तो परफॉर्मेंस मोड पे आपके लैपटॉप के फैंस फुल स्पीड में नहीं चलते तो आपका लैपटॉप ज्यादा हीट होता है। और टर्बो मोड जो है वो बस आपके लैपटॉप जब तक चार्जिंग पे रहेगा ना तभी तक आपका टर्बो मोड चलेगा और जैसे आपका लैपटॉप बैटरी पे आएगा तो ऑटोमेटिकली आपका लैपटॉप परफॉर्मेंस मोड पर स्विच हो जाएगा। अब नेक्स्ट टैब पर आ जाते हैं जो कि है डिवाइस वाला टैब। तो इसमें सबसे पहले सिस्टम वाले टैब में आते हैं तो यहाँ पर आप देखो तो आपको जो एप्लीकेशंस बैकग्राउंड में चल रहे हैं और आपके सीपीयू और रैम खर्च कर रहे हैं तो वो उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर दिखती है और यहीं से आप उन एप्लीकेशन को एंड भी कर सकते हो। अभी करेंटली कोई एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चल नहीं रहा है तो वो यहाँ पर दिख नहीं रहा है, इससे बेसिकली आप अपने गेमिंग के लिए अपने सीपीयू और रैम को फ्री कर सकते हो, बस इतना ही काम है। नेक्स्ट जीपीयू पावर सेविंग पर आ जाए तो यहाँ पर आपको 3 मोड्स मिलते हैं आपके जीपीयू में। सबसे पहला है यहाँ पर स्टैंडर्ड मोड, इको मोड और ऑप्टिमाइज्ड मोड। इसमें से सबसे बेस्ट होता है कि आप अपने जीपीयू को हमेशा स्टैंडर्ड मोड पर डालो और भूल जाओ, क्योंकि क्या होता है ना अगर आप अपने लैपटॉप को इको मोड में डाल दोगे तो आपका जो डेडिकेटेड जीपीयू यानी कि मेरे लैपटॉप पे आरटीएक्स 3050 है तो जो डेडिकेटेड जीपीयू है वो पूरा बंद ही हो जाता है इको मोड पे, फिर आप चाहे कोई भी गेम खेल लो वो गेम आपके जो आईजीपीयू है ना वेगा ग्राफिक्स उससे चलेंगे, आपके डेडिकेटेड जीपीयू से नहीं चलेंगे। और वहीं आप ऑप्टिमाइज में कर दो तो इसमें क्या होता है कि आपका लैपटॉप अपने आप स्टैंडर्ड मोड और इको मोड पे स्विच करता रहता है, पर ये फीचर ना मेरे को बिल्कुल काम करने लगा क्योंकि काफी सारे गेम्स रहते हैं जिसमें कि इस मोड पे रखने पे ऑटोमेटिकली मेरा डेडिकेटेड जीपीयू ऑन हो जाता है और कई सारे ऐसे भी गेम्स रहते हैं जिनमें इस मोड पे रखने के बाद मेरा डेडिकेटेड जीपीयू ऑन होता ही नहीं है और कई सारे गेम्स तो मेरे वेगा ग्राफिक्स से ही चलते रहते हैं, इसलिए मैं अपने लैपटॉप को हमेशा स्टैंडर्ड मोड पे रखता हूं, जिससे क्या होता है कि अगर मैं आपको होम में जाकर दिखाऊं तो अभी मैं गेमिंग नहीं कर रहा तो आप देखो ऑटोमेटिकली मेरा जीपीयू पावर सेविंग मोड पर आ गया। तो इसलिए हमेशा अपने लैपटॉप को स्टैंडर्ड मोड पे ही रखो। और ये जो जीपीयू के मोड है ना ये वही मोड है जो मैंने आपको होम में भी दिखाया था, ये वाला मोड। अब लाइटनिंग में आ जाए तो ये तो आपको सभी को पता है, ये आपके कीबोर्ड की लाइटिंग है, आप कीबोर्ड की लाइटिंग की स्पीड कम ज्यादा कर सकते हो, कलर यहां पर चेंज कर सकते हो, पूरा कलर पैलेट मिलता है, जो कलर चाहिए रख लो अपने हिसाब से पूरा एडजस्ट कर सकते हो। और कस्टम कलर्स जो अगर आप बनाते हो तो आप अप टू 8 कस्टम कलर्स यहाँ पर सेव कर सकते हो अपने, और साथ में जो ब्राइटनेस है अपने कीबोर्ड की बैकलाइट की वो भी आप यहाँ पर कम या ज्यादा कर सकते हो। आपको यहाँ पर टोटल 4 इफेक्ट्स मिलते हैं, स्टैटिक, ब्रीदिंग, स्ट्रोबिंग और कलर साइकिल। फिर यहाँ पर ऑडियो पर आ जाए तो यहाँ पर आपको 2-way AI नॉइस कैंसिलेशन मिलता है अपने लैपटॉप में, जिसको कि अगर आप यहाँ पर चाहो तो ऑन कर सकते हो और ये बेसिकली आपके इनपुट और आउटपुट दोनों की वॉइस को AI के थ्रू फिल्टर करता है। अब इनपुट में क्या होगा कि आपके जो आप वॉइस आपके लैपटॉप ले रहे हैं आपकी मीटिंग्स के दौरान या फिर ऐसे किसी की भी टाइम पे तो वो AI के थ्रू यहाँ पर बैकग्राउंड नॉइस हटा के फिर वहां पर भेजता है। और यहाँ पर अगर आप आउटपुट के लिए भी इसको यूज करोगे तो जो आपके लैपटॉप से फॉर एग्जांपल आप किसी सामने वाले बंदे से बात कर रहे हो उसकी बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉइस है तो उसके यहाँ से बैकग्राउंड नॉइस आप तक आ रही है लेकिन वो फिल्टर होकर आपको सुनाई देगी। तो कुछ इस तरह से ये 2-way AI नॉइस कैंसिलेशन काम करता है। वैसे मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड शॉर्ट भी बनाया तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लास्ट टैब है यहाँ पर रिसोर्स मॉनिटर। यहाँ पर आपके जो रिसोर्सेज है लैपटॉप के यानी कि सीपीयू जीपीयू के कितना यूज हो रहा है, आपकी रैम कितनी यूज हो रही है, आपकी एसएसडी कितनी स्पीड से रीड और राइट कर रही है, वो सारे आपको यहाँ पर ग्राफ के फॉर्म में देखने
देखने को मिलेंगे। अभी मैंने यहाँ पर बस ये चीजें ऑन करी है, अब यहाँ पर मैं डिस्क की रीड स्पीड ऑन करूंगा तो आप देखोगे डिस्क की रीड स्पीड भी यहाँ पर ग्राफ के फॉर्म में शो होने लगी है। अब आपको अपने लैपटॉप की परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करना है तो आपको यहाँ पर उसके लिए रिकॉर्ड वाला बटन मिलता है, तो उससे आप अपने ये जो ग्राफ्स है इनको रिकॉर्ड भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट आपको इसी टाइप में एक और ऑप्शन मिलता है ऑरा वॉलपेपर्स का। ये अभी नया फीचर है, कुछ एक दो महीने पहले ही आर्मोरी क्रेट में आया है और ये बेसिकली ना ASUS के ऑफिशियल लाइव वॉलपेपर्स है जिनमें की बिल्कुल वैसे ही RGB इफेक्ट होता है जैसे कि आपके लैपटॉप के कीबोर्ड में होता है। और वैसे इस फीचर का मैंने एक डेडिकेटेड शॉर्ट वीडियो भी बनाकर रखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इसमें आपको डिफरेंट इफेक्ट्स मिलते हैं जैसे कि अभी मैंने ये रेनबो इफेक्ट लगा रखा है, फिर कलर साइकिल, स्ट्रोबिंग, ब्रीदिंग, स्टैटिक, ये बिल्कुल वैसी इफेक्ट है जैसे कि आपके लैपटॉप के कीबोर्ड के RGB में होते हैं, तो वैसी इफेक्ट आपको वॉलपेपर्स में भी देखने को मिलते हैं। इस फीचर की और डिटेल में जानने के लिए आप वो मेरा शॉर्ट वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब नेक्स्ट टैब पर आते हैं जो कि है ऑरा सिंक। अब ये बेसिकली आपके लिए तभी यूजफुल है जब आपके पास और भी ASUS के RGB पेरिफेरल्स हो, जैसे चाहे वो आपके पास गेमिंग माउस हो, हेडफोन्स हो या फिर कीबोर्ड हो, तो उनकी जो RGB लाइट्स है ना वो आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हो अपने लैपटॉप से ही, और आपके सभी पेरिफेरल्स के जो RGB इफेक्ट है वो आप बिल्कुल सिंक में रख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं ऑरा इफेक्ट्स में जाऊँ तो आपको ये सारे इफेक्ट्स मिलते हैं अपने पेरिफेरल्स में लगाने के लिए। यहाँ पर एक म्यूजिक सिंक वाला इफेक्ट भी है कि आपके लैपटॉप में जो म्यूजिक चल रहा है उसके हिसाब से आपके पेरिफेरल्स की RGB सिंक हो जाएगी। और इवन जो आप यहाँ पर गेम खेल रहे हो तो उसमें जो लाइटिंग इफेक्ट्स है उसके अकॉर्डिंगली आपकी लाइट सिंक हो जाएगी। तो ये सारे ऑप्शंस आपको इस ऑरा सिंक वाले टैब में मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर गेम विजुअल पर आ जाते हैं, तो ये बेसिकली आपके गेमिंग वाले फिल्टर्स हैं। जैसे कि आप अपने फोटो में फिल्टर्स लगाते हो वैसे ये फिल्टर्स आपके गेम में लगते हैं, और यहाँ पर आप हर एक फिल्टर में लिखा हुआ देख सकते हो कि कौन सा फिल्टर किस तरह से काम में आता है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट गेम्स के लिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स यूज कर सकते हो। वैसे मैंने वेलोरेंट के लिए यहाँ पर इन फिल्टर्स को यूज करके देखा था, तो उससे क्या होता है कि जो कलर्स होते हैं गेम के वो थोड़े चेंज होते हैं, जैसे कि कुछ डार्क एरियाज है तो वो थोड़े और उनमें ज्यादा लाइट दिखने लगती है, जो आपके गेम के कैरेक्टर्स की शार्पनेस है वो बढ़ जाती है। हर एक गेम विजुअल में आपको डिफरेंट इफेक्ट मिलता है, तो आप चाहो तो इनको भी यूज करके देख सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। फिर नेक्स्ट स्टेप पर आए तो वो है गेम लाइब्रेरी। यहाँ पर आपके लैपटॉप में जो भी गेम्स इंस्टॉल्ड है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर सिनेरियो प्रोफाइल्स, तो ये बेसिकली प्रोफाइल्स रहती है। अब मैं यहाँ पर एक प्रोफाइल 1 बनी हुई है, मैं इसको आपको खोल कर दिखाऊं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो विंडोज की ऑन, मैं इसको यहाँ पर फॉर एग्जांपल ऑफ पे रख सकता हूँ, वॉल्यूम यहाँ पर मैं चेंज कर सकता हूँ, और ये जितने सारे ऑप्शन है ना मैं अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। और हर एक प्रोफाइल के लिए मैं एक एप्लीकेशन असाइन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आप देखो तो यहाँ पर वेलोरेंट है, वेलोरेंट को यहाँ पर मैं इस पे असाइन कर दूं और यहाँ पर सेव कर दूं, और फिर मैं जैसे ही वेलोरेंट ओपन करूंगा तो अपने आप यहाँ पर विंडोज की ऑन हो जाएगी, वॉल्यूम 40% हो जाएगा, टच पैड ऑन हो जाएगा, मतलब बेसिकली जो यहाँ पर आपको ऑप्शन ऑन या ऑफ दिख रहे हैं वो बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे गेम ऑन करते ही। और जैसे ही मैं गेम को एग्जिट करूंगा तो ये ऑप्शंस वापस वैसे हो जाएंगे जैसे ही गेम ऑन करने के पहले थे। तो ये प्रोफाइल्स वाले ऑप्शन आपके लिए तब यूजफुल है कि जब आप डिफरेंट डिफरेंट गेम्स खेल रहे हो, तो हर एक गेम को डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स में असाइन कर दो तो आपका वॉल्यूम बिल्कुल वैसे हो जाएगा, आपका उस गेम का जो गेम विजुअल है वो अपने आप ऑन हो जाएगा, और जो आपके ऑपरेटिंग फैन मोड्स है वो भी यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह का प्रोफाइल वाला ऑप्शन है। फीचर्ड वाले ऑप्शन में आए तो यहाँ पर जो करेंटली गेम डील्स चल रही है आपके ASUS के स्टोर पर वो आपको यहाँ पर दिखेगी। और फिर कंटेंट प्लेटफॉर्म पर आए तो यहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट वॉलपेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं ASUS के ऑफिशियल वॉलपेपर्स। और फिर अगर आपके पास एनिमे मैट्रिक्स वाला लैपटॉप है तो आप अपने एनिमे मैट्रिक्स भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो अपने लैपटॉप के लिए। और फिर यहाँ पर आपको ऑरा वॉलपेपर्स डाउनलोड करने की ऑप्शन मिलता है, आपको नए ऑरा वॉलपेपर्स डाउनलोड करना हो तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये कुछ ऑरा वॉलपेपर्स मिलते हैं, और स्टैटिक वॉलपेपर भी डाउनलोड करना चाहो तो स्टैटिक वॉलपेपर भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। फिर यहाँ पर रिकमेंडेड वाले टैब में आओ तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ खास है नहीं, और रिडेम्पशन में भी ऐसा कुछ खास है नहीं। न्यूज वाले टैब में आओ तो यहाँ पर आपको जो लेटेस्ट ASUS की तरफ से न्यूज में रहेगी वो मिलते रहेगी, जैसे कि यहाँ पर लेटेस्ट ये ZenBook S लॉन्च हुआ है तो वो सब न्यूज आपको यहाँ पर मिलते रहेगी। फिर यूजर सेंटर में आए तो यहाँ पर आपकी ये प्रोफाइल है, आपके यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ये सारी आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिर आपके यहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और फिर रजिस्टर्ड इवेंट और नोटिफिकेशन, ऐसा कुछ खास है नहीं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट सेटिंग्स पर आ जाए तो यहाँ पर जो आप अपने आर्मोरी क्रेट की थीम है वो चेंज कर सकते हो। करेंटली यहाँ पर टफ गेमिंग वाली थीम लगी है, मैं आपको होम में जाकर दिखाऊं तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, आप देख सकते हो ये टफ गेमिंग वाली थीम है। आपको यहाँ पर आपको सब कुछ येलो दिख रहा है, अब मैं यहाँ पर आपको रॉक वाली थीम में स्विच करके दिखाता हूँ। स्विच करने के बाद एक बार आपका आर्मोरी क्रेट रीस्टार्ट होता है तो ये कुछ इस तरह की रॉक थीम है, आप देख सकते हो सब कुछ रेड रेड हो गया। और एक और थीम है यहाँ पर ASUS आर्मोरी क्रेट, इसको यहाँ पर स्विच करके दिखाता हूँ तो ये ASUS आर्मोरी क्रेट वाली थीम है, सब कुछ ब्लू ब्लू हो गया। तो आपको जो भी थीम पसंद आए वो आप यहाँ पर लगा के रख सकते हो। फिर यहाँ पर अपडेट सेंटर है, आपके जो भी आर्मोरी क्रेट से रिलेटेड अपडेट्स है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। और फिर अबाउट में जाओगे तो आपको यहाँ पर वही सब ऐप वर्जन और सारी चीजें है, तो ये सब पूरे
ऑप्शंस आपको आर्मी रेट में मिलते हैं, मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बता दिया हर एक ऑप्शन के बारे में, आपको कैसे और सभी ऑप्शंस को यूज करना है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो पहले लंबा हो गया, तो चलो अब इसी नोट पे फिर इस वीडियो को करता हूँ एंड और फिर मिलूंगा आपसे ऐसे किसी वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।